Hey guys, this is Pallavi and Sonam. हम आप सभी का बॉलीवुड मिरर में स्वागत करते हैं और आज हम रिएक्ट करेंगे शुभ मंगल ज्यादा सावधान. जी हाँ, ये वही शुभ मंगल सावधान है जिसका आपने पहला पार्ट देखा था और बहुत ज्यादा इंजॉय किया होगा. आप सभी जानते थे कि उसमें आयुष्मान खुराना को एक पर्सनल प्राइवेट प्रॉब्लम होती है जिससे वो रोज रोज की जो प्रॉब्लम्स होती है ना उससे जूझते नजर आए थे मूवी में. और इस मूवी में इनकी जो पार्टनर थी भूमि पेडनेकर, उन्होंने भी पूरा साथ दिया था वैसे इस प्रॉब्लम से उन्हें छुटकारा दिलाने में. जी, तो बेसिकली प्रॉब्लम उनकी रहती है कि वो रोजमर्रा के जो काम होते हैं वो नहीं कर पाते हैं. और आप बखूबी जानते होंगे अगर आपने फर्स्ट पार्ट इसका देखा होगा तो. बिल्कुल, ये उस समय की बहुत ही अच्छी मूवी मान जाती है और आयुष्मान खुराना की वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग मूवीज है. तो उसी का सेकंड पार्ट आया है शुभ मंगल ज्यादा सावधान, जिसका टीजर का आज हम रिएक्शन करेंगे. जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं. प्राचीन काल से मिस्ट काल तक एक काम जो इंसान को कभी सीखना नहीं पड़ा वो है प्यार. प्यार हमेशा हो गया, कभी किसी ने किया नहीं. रोमियो जूलियट हमने पढ़ा, लैला मजनू हमने सुना, मिर्जा साहिबा हमने गाया, राज सिमरन हमने देखा. लेकिन इन फेमस लव स्टोरीज के बैकग्राउंड में कुछ प्यार ऐसे भी हुए जो न पढ़े न सुने न गाए न देखे पर होते रहे. दीपक पिंटू, रश्मि सुनैना, इमरान जय, कविता बबीता, बबलू बबलू. शुभ मंगल सावधान और सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद आनंद एल राय ला रहे हैं 100 दिल्ली से इलाहाबाद की एक्सप्रेस है. यस, यानी हमारी है, मतलब हम भी तो अलाहाबाद से ही दिल्ली आए हैं. दशत प्राकृतिक प्यार की ऐसी ही एक कहानी. 100% natural 377, यानी गे और लेस्बियन लव पे बेस्ड है. एलजीबीटी सोसाइटी इसे ज्यादा देखने वाली है. शुभ मंगल ज्यादा सावधान. शुभ मंगल सावधान तो समझ में आता है, ज्यादा सावधान क्या होता है पल्लवी? इट इज लाइक बीइंग एक्स्ट्रा कॉशियस. अब ज्यादा सावधान, अब ज्यादा लोग को देख के 4 लोग से 8 लोग बन गए हो शायद, इसलिए सावधान ज्यादा लगा लिया है. सामाजिक जोखिम के अधीन है, कृपया दिल लगाने से पहले दिमाग लगाएं. बहुत बड़ी और सटीक बात है, दिल लगाने से पहले दिमाग लगा लें. ये था टीजर. तो ट्रेलर तो यार इससे डबल धासु होने वाला, मतलब जो एनिमेशन से प्रेजेंट किया. क्योंकि एक लाइन ना जो टीजर में सबसे अच्छी थी, बताइए क्या थी? दिल लगाने से पहले दिमाग का इस्तेमाल करें. लेकिन आज कोई करता नहीं है, सब बस दिल ही लगाते हैं. और देखना होगा कि ट्रेलर कितना धास हो गया. तो टीजर था. आप बताइए आपको क्या लगता है टीजर देखने के बाद कि क्या उम्मीद कर सकते? आयुष्मान खुराना हमेशा अलग ही स्टोरी लेके आते हैं. उनकी जो मूवीज होती है वो अलग ही तरह की होती है, विक्की डोनर और अंधाधुन. कभी दम लगे हाइशा कर लेते हैं, तो कभी बधाइयों कर लेते, कभी अंधाधुन कर लेते. तो अब है शुभ मंगल ज्यादा सावधान, यानी वो पहले उनको प्रॉब्लम थी, अब वो सीधा गे बन गए इस वजह से. अब ये तो ट्रेलर से पता चलेगा. चलिए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं और जानते हैं लोगों की क्या राय है. आयुष्मान खुराना कंटेंट खुराना, कृपया दिल लगाने से पहले दिमाग लगा ले, ये तो सभी कह रहे हैं. वेट, व्हाट अनदर मूवी एंड दैट टू बेस्ड ऑन वेरी न्यूएस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ 377. दिस मूवी इज गोना ब्रेक दिस रिकॉर्ड. आयुष्मान इज गोना रॉक वंस अगेन. सो यानी लोग भी मानते हैं कि आयुष्मान खुराना इज अ कंटेंट खुराना और वो कुछ नया और एकदम से अनकही अनसुनी बातें और अनकही स्टोरीज लेके आते हैं जो हमारी सोसाइटी में मौजूद तो होती है जिसे फिल्म इंडस्ट्री दिखाती नहीं है. बिल्कुल. और सबसे लेटेस्ट एग्जांपल बधाई हो, जो कि उनकी उनकी मॉम पे है जो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो एक अलग ही स्टोरी थी. तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये मूवी होगी अपने में ही. मैं तो 100% श्योर हूँ कि ये मूवी बहुत अच्छी होने वाली है. कमेंट से पता चल जा रहा है कि पक्का अच्छी होने वाली है. आयुष्मान खुराना मीन्स गारंटी न्यू कंसेप्ट एंड एंटरटेनिंग मूवी. तो आप बताइए आप क्या मानना, आयुष्मान खुराना इज एंटरटेनिंग और या फिर वो नए कंसेप्ट लेके आते हैं या फिर वो नई चीज पुरानी चीजों को नई तरीके से मिर्च मसाला लगा के बताते हैं? और आप बताइए कि आपको ये टीजर कैसा लगा? जी प्लीज कमेंट सेक्शन बताइए और देखते रहिए बॉलीवुड मिरर. बॉलीवुड और टेलीविजन की लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बॉलीवुड मिरर और बेल आइकन को दबाना मत भूलें.